हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़ एजेंसी. मैं माय नेम इज़ नवीन यादव. और चलिए, आज है 10 अक्टूबर. डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है. सबसे पहले देख लेते हैं आज की एक इंपॉर्टेंट कोट. ये देखिए, विस्टन चर्चिल ने ये बात बोली है. इन्होंने बोला, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल. सक्सेस कोई फाइनल नहीं है और फेल्योर इज़ नॉट फेटल. और फेल्योर ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक है या बहुत यानी कि फेटल होगी. ये बोलते हैं, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. और ये सबसे बड़ा यही है कि करेज जो है आपकी है कि चलते रहना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा, मैं एक केस बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान ने फेल्योर नहीं देखी होती, यानी कि वो क्लास से कॉलेज तक वो आया, वो हमेशा उसने टॉप किया होता है. तो इस वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ही वो जब कोई भी प्रिपरेशन करने आता है, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो फेल्योर देखता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है और वो टूट जाता है उससे. तो इस वजह से वो ज़्यादा दिन प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता. लेकिन एक ऐसा इंसान जो जिसने फेल्योर भी देखी है और जो नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल चला है, तो वो अगर एक बार दो बार फेल भी होगा तो लेकिन वो कंटिन्यू रखता है. तो ये बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए. आप देखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टॉपर्स कम होते हैं और नॉर्मल एवरेज इंसान ज़्यादा सिलेक्शन होता है. उसका रीज़न यही होता है कि कंटिन्यू रखने की हिम्मत जो है वो इंसान में शुरू से ही बिल्ट हो जानी चाहिए. अगर नहीं है तो आप ये हिम्मत डाल लीजिए, क्योंकि आप अगर जॉब में भी चले जाएंगे तो भी वहाँ बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि सक्सेस जो है फाइनल नहीं है, और भी चीज़ें आएंगी. तो ऐसा नहीं कि उसी पर खुश हो जाना है, वही आपका टारगेट है. वो एक सिंपल आपका मीन्स टू एंड हो सकता है, यानी कि कहीं पहुँचने का रास्ता हो सकता है. ठीक है, लेकिन एंड कुछ और ही होता है. और ये कह रहे हैं कि फेल्योर जो है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक चीज हो गई और आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, फेल्योर हो गई है, ऐसा नहीं है. बस करेज यही है कि आपको लगे रहना है और लगे रहना है और लगे रहना है. ठीक है, इस बात को याद रखिए. इसके अलावा देखिए, आज हम सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे. इंडस रिवर के बारे में हम देख चुके हैं और मैंने ट्रिक आपको बताई थी, JCRBS, इससे आप याद रख सकते हैं. देखिए, JCRBS में फिर इंडस आगे आती है. तो ये जो JCRB जो ये है, ये चारों रिवर जो है इंडिया के अंदर ही इनका ओरिजिन है. लेकिन अगर बात करें इंडस की और सतलज की, इन दोनों का जो है ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं है, इस तरह आप याद कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए, इसका ओरिजिन यहाँ पे है, इसका ओरिजिन यहाँ पे है. तो आज सतलज के बारे में पढ़ेंगे हम. देखिए, सतलज बोलते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर दैट फ्लो थ्रू द हिस्टोरिकल क्रॉस रोड रीजन ऑफ पंजाब इन नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान. और इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें तो जिसमें पंजाब की 5 रिवर है, ठीक है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज. तो इसमें सबसे बड़ी है सतलज. ठीक है, ये देखिए, यहाँ से चलते हुए यहाँ पे अपोज यहाँ जाके मिलती है. इसके बाद बोलते हैं, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, सतलज ही है. ठीक है, ये वेस्टर्न, इधर वेस्टर्न की बात करें तो इधर ही काबुल वाबुल जो आती है. ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट सतलुज है. ये बोलते हैं कि वाटर ऑफ द सतलुज आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर बात करें तो इसका जो पानी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंडर जो पानी सतलुज का है वो इंडिया को मिलता है. ठीक है, इसके बाद देखिए, भाकरा नांगल डैम है इसके ऊपर. इसके बाद बात करें तो सोर्स ऑफ सतलुज इज वेस्ट ऑफ लेक रक्षास्थल. ठीक है, रक्षास्थल, देखिए यहाँ पे जो लेक रक्षास्थल है यहाँ से निकलती है, याद रखिए, लेक रक्षास्थल. ठीक है, याद रखिए, लेक रक्षास्थल से निकलती है तिब्बत के पास से. एज द स्प्रिंग्स इन द एफ्रिमल स्ट्रीम चैनल डिसेंडिंग फ्रॉम दिस लेक. ठीक है, याद रखिए, ओरिजिन याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है कहाँ से निकलती है. इसके बाद है देखिए, ये बोलते हैं, इट मीट्स द ब्यास रिवर नियर मक्खू फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब. यहाँ पे ब्यास से मिलती है, यहाँ पे पंजाब के अंदर, ये क्या है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर. ठीक है, उसके बाद देखिए, रोपर वेटलैंड भी यहीं पंजाब में जो है, इसी पे सतलुज रिवर के जो बेसिन है उसी पे है. रोपर वेटलैंड भी याद रखिए, ये पूछा जाता है रोपर वेटलैंड कहाँ पे है. इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था यूपीएससी मेंस के अंदर वेटलैंड्स के ऊपर. इसके अलावा देखिए, कल 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर बता देता हूँ. नोबल पीस प्राइज से रिगार्डिंग था, किसको मिला, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो है डेनिस मुकवेगे. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा था, विच IIT हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश एन एकेडमी ऑफ लीडरशिप, तो IIT खड़गपुर है इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड था, विच टेक्नोलॉजिकल ड्रीवन फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव विल बी रोल आउट बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मेक हैसल फ्री एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर. यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कौन सा एक नया फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे कि जो एयर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर है उनके लिए बहुत आसानी रहे. तो इसका नाम है डीजी यात्रा, ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इंडिया हैज लॉन्च्ड विच ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस
ऑपरेशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अर्थक्वेक एंड सुनामी विक्टिम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो सुनामी आई और अर्थक्वेक आया उसके लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड करी इंडिया ने, तो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो होगी है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? देखिए ये था ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ठीक है। इसके बाद देखिए, चलिए आज के 4 क्वेश्चन ये, और 4 क्वेश्चन मैंने बाद में आपसे एंड में पूछे हैं क्योंकि आज न्यूज़ कम थी, तो मैंने 4 और क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, और जैसे जिस दिन न्यूज़ कम होगी 8 क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन मैंने एंड में ऐड किए हैं जो करंट अफेयर से नहीं है बट हाँ जनरल नॉलेज से आपके डिपेंड करते हो। तो देखिए लास्ट में दिए हुए मैंने वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इंडियाज फर्स्ट मिथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम हैज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया था मिथनॉल क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती है मिथनॉल की। चाइना वगैरह के अंदर ऑलरेडी यूज होता है, इंडिया के अंदर अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर बताना आपको असम है, मणिपुर है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। इसके बाद देखिए अगर बात करें, ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट ज्वाइंट ऑपरेशन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन टू कॉम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो माविस्ट वगैरह है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको खत्म करने के लिए कौन सी दो पुलिस ने डिसाइड किया है कि वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे वो? क्या ये तमिलनाडु, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, आंध्र है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये पूछते हैं कि कौन अपॉइंट हुआ है अभी चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टैटिस्टियन जो है, चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया कौन अभी अपॉइंट हुआ है? TA वीना, निपुण सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव या मालती सक्सेना? इसका आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है। इसकी थीम बतानी, वर्ल्ड टीचर डे अभी था 5 अक्टूबर को। वैल्यूइंग टीचर, इम्प्रूविंग देयर स्टेटस, ए कॉल फॉर टीचर या टीचिंग इन फ्रीडम, एम्पावरिंग टीचर या ऑप्शन डी है द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू क्वालिफाइड टीचर, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए न्यूज़ देखते हैं आज। इनिशियल न्यूज़ जो है इंटरनेशनल अफेयर से है। देखिए अभी जो चाइना ने अभी सेल कर रहा है 48 जो है आर्म्ड ड्रोन टू पाकिस्तान, ठीक है। ड्रोन होगी, ये ड्रोन के अंदर क्या होगा, आर्म्ड होगी, यानी कि इसके अंदर मिसाइल वगैरह भी होगी जो अगर सरफेस टू एयर वेपन्स होंगे जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए 48 हाई एंड आर्म ड्रोन, ये ऑल वेदर। देखिए दो चीज़ें इसमें याद रखिए, ये मैंने क्यों लिया है, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो सबसे पहला ये ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं अपने आप को, ठीक है। यानी कि चाहे भी कैसी भी चीज़ आए, या ऑल वेदर अलाई बोलते हैं अपने आप को, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है आर्म्स का, यानी कि चाइना जो है, सॉरी चाइना जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर, यानी कि उल्टा बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो है, जो ट्रेड करते हैं ये इक्विपमेंट्स या लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ वेपन सिस्टम, ये कहाँ से करते हैं, ये चाइना से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, चाइना किसी और को भी करती होगी बट पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा करती है ये, या पाकिस्तान ये बोल सकते हैं जो है सबसे ज़्यादा, चाइना इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पाकिस्तान वेपन सिस्टम टू पाकिस्तानी आर्मी, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से किया जाता है, वेपन चाइना से। और ये दोनों क्या है, ऑल वेदर अलाय है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यानी कि ये चीज़ें आप मेंस के अंदर किसी भी, अगर पाकिस्तान चाइना से रिलेशन से आए तो आप ये चीज़ें ऐड करेंगे स्टार्टिंग में या बाद में, तो ये बहुत इम्पैक्ट डालती है कि आपको न्यूज़ का और आपको चीज़ों का बिल्कुल बहुत क्लैरिटी से ज्ञान है, ठीक है। तो देखिए अभी चाइना जो है 48 आर्म ड्रोन सेल कर रही है पाकिस्तान को, और इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है विंग लॉन्ग 2, ठीक है। याद है ये नाम याद रखिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है प्रीलिम वगैरह में, UPSC में नहीं, SSC वगैरह में पूछ लिया जाता है। और यह क्या है, इट इज़ फिटेड विद, ये अनमैंड एरियल व्हीकल होता है, आपको पता है UAV जो होता है या ड्रोन जो होता है, और ये फिटेड विद एयर टू सरफेस वेपन्स इसके अंदर होते हैं। इसके बाद देखिए ये किसके इक्विवेलेंट है, जो अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन है, ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो। इसके बाद चाइना ने ऑलरेडी ये ड्रोन जो है UAE को भी बेचा है, इजिप्ट को भी बेचा है। इसके बाद बात करें तो देखिए चाइना जो, ये मैंने बताई दिया कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, बात करें तो बोथ कंट्रीज आर जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद ये GF थंडर, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, दो ये चीज़ें फैक्ट जो मैंने बताए ये आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में, तो ये आपको काम आएंगे जब आप मेंस लिखेंगे तो। इसके अलावा देखिए इंडिया भी जो है 22C गार्जियन ड्रोन खरीद रही है, ठीक है, किससे, US से। इसके अलावा और कहाँ से खरीद रही है, 10 जो है एडवांस हीरोन ड्रोन भी खरीद रही है इंडिया, कहाँ से, इसराइल से। तो ये दो चीज़ें इंडिया के लिए रिगार्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी
जब पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चल रहा था प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, उस समय जो इमरान खान है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था नवाज शरीफ को, कि उन्होंने बोला था कि जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये एलिगेशन लगाए थे, तो कहीं ना कहीं ये यानी कि ये बता रहे थे कि ये सीपेक जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी ये जब खुद पावर में आ गए हैं, तो इन्होंने देखिए एक बात, ये रिपोर्ट आई थी कि अभी वो जो इनका ट्रांस ये सीपेक है, सीपेक के अंदर वो अभी थोड़ा सा चाहते हैं पाकिस्तान की कब इन्वेस्ट हो, 2 बिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट जो चाइना कर रही थी उसको कम कर दिया है पाकिस्तान ने रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर। इसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न ये है कि पाकिस्तान को भी लगता है, और ये तो सबको ही पता है, कि जो इनके चाइना के कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके कारण बहुत ज़्यादा डेब्ट क्रिएट हो जाती है उस कंट्री में, और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, इससे चाइना उसका बहुत फ़ायदा उठाता है, राइट। तो वही चीज़ है, तो इसलिए ऐसी बात हो रही थी कि 2 बिलियन का यानी कि कमी की है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने है कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके अंदर। लेकिन चाइना ने बोला कि ऐसा नहीं है, चाइना ने बोला इमरान खान जो है सपोर्ट कर रहे हैं सीपेक प्रोजेक्ट को, यानी कि वो सब चीज़ें बोली हैं। और ये देखिए इंडिया को क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सीपैक है ये इंडिया का, ये वैसे पीओके से गुजरता है, पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये, लेकिन इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का पार्ट है इससे प्रोजेक्ट गुजर रहा है, और इंडिया की कोई इसमें सहमति नहीं है, तो इंडिया के ऊपर इंडिया जो है इसका BRI जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसमें भाग नहीं लेता है, और इंडिया का इसमें यानी कि एलिगेशन है कि जो हमारा पार्ट है उसमें आप कैसे हमारी मर्जी के बगैर आप इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था इस बार 10 या 15 नंबर का मेंस के अंदर सीपीएक से रिगार्डिंग, कि क्या इंडिया को ऑब्जेक्शन है, पूरा उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी क्या हुआ है कि यूएस ने फिर से डिमांड की है पाकिस्तान से कि आप अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और आप हेल्प कीजिए। देखिए ये बोलते हैं कि 17 साल से जो है वॉर चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। 2001 में आपको पता है, 2001 में तालिबान हटने के बाद, और वहाँ पे पूरा यानी कि जो है आज भी वार टोन स्टेट है ये, और वहाँ पे अभी भी इतना यानी कि इतना सिस्टम बेकार है कि कभी भी कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी को लेके देखिए यूएस कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की हेल्प लिया जाए, और यूएस ने अभी फिर से बोला है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो पाकिस्तान की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, तालिबान जो है अटैक कराती है, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे या यूएस फोर्सेस पे या नॉर्मल सिविलियंस पे। तो तालिबान जो है इसको किसकी सपोर्ट मिल रही है? इसको पाकिस्तान की सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान इसको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए यूएस चाहता है पाकिस्तान अगर तालिबान को बोलेगा कि आप नेगोशिएशन टेबल पर आइए, बात कीजिए और इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए किसी तरह, तभी तालिबान हो सकता है कि शायद थोड़ा झुक जाए, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि पाकिस्तान कैसे हेल्प कर रहा है, और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। और बार बार जो है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट भी ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरह से सपोर्ट करता है और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। लेकिन अभी देखिए ये बोल रहे हैं, दूसरी बात और बोल रहे हैं कि यूएस ये भी देखिए अभी जो ये मिस्टर खलीद जाद है, इनको अभी यूएस गवर्नमेंट ने भेजा कि आप जाइए बात कीजिए पाकिस्तान से। तो इन्होंने देखिए पहले ही पाकिस्तान पे एक्विजिशन लगाते रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक तरह से उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए, वो अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तालिबान को सपोर्ट करता है, इस तरह की बातें पहले कहते थे। लेकिन अभी क्या इनको टास्क चेंज हो गया, तो इनको प्यार से बात करनी होगी पाकिस्तान से और उसको समझाने की कोशिश करनी होगी कि कैसे अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए बताते हैं कि लेकिन ये गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल क्या बताता है ये आर्टिकल, ये बताता है जो अफगान की पॉलिसी है, ठीक है, अफगान पॉलिसी है, इंडियन पॉलिसी है और मेनली चाइना के साथ, ये जो तीन पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान कैसे काम करना है, इंडिया के साथ कैसे काम करना है और चाइना के साथ कैसे करना है, ये पूरा पाकिस्तान आर्मी डील करती है, आर्मी के अंडर होता है, आर्मी अंडर नहीं है लेकिन आर्मी ही यानी कि आर्मी के ही कंट्रोल में है, आर्मी जैसा बोलेगी वैसी अफगानिस्तान की पॉलिसी होगी, वैसी इंडिया के खिलाफ पॉलिसी होगी या वैसी ही चाइना के साथ पॉलिसी होगी पाकिस्तान की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से बात करने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान आर्मी को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ISI वगैरह, उससे मिलजुल के ही अगर कोई बात होगी तो ही कुछ काम हो सकता है अफगानिस्तान के अंदर। इसके अलावा देखिए IMF ने जो प्रोजेक्ट करी है इंडिया की ग्रोथ रेट वो किया 7.3 2018 में, और बोला है कि
2018 में देखिए 7.3 किया है और 7.4 किया है नेक्स्ट ईयर, और IMF ने बोला है कि अभी इंडिया जो होगा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी और चाइना को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि चाइना की जो है 0.07 कम मेजर किया IMF ने। ठीक है, IMF की देखिए एक रिपोर्ट आती है, दो चीज़ें इस चीज़ में पता होना चाहिए हमको, IMF की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो उसी रिपोर्ट में ये चीज़ बोली गई है और ये रिपोर्ट पब्लिश हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है, तो ये करता है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और क्या बोला है कि इंडिया के अंदर अभी क्यों बढ़ेगी ग्रोथ, उसका रीज़न बताया कि इंडिया ने काफ़ी रिफॉर्म लेके आए हैं, GST लेके आए हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए हैं, इसके अलावा कह रहे हैं कि लिबरलाइज किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और ये बोल रहे हैं काफ़ी चेंजेस किए हैं, इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7.3 रहेगी 2018 में पूरे, और 2019 में 7.4 रहेगी, इस तरह की प्रडिक्शन की है। और ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को ध्यान देनी चाहिए, या अभी इस समय की ग्रोथ की बात करें, पिछले साल ग्रोथ कम क्यों रही है, बताते हैं कि उसका रीज़न है कि एक तो GST जो है उस पर अभी सहमति नहीं हुई थी और फाइनल सहमति हो गई है, लेकिन उसकी वजह से कुछ जो स्मॉल का जो इंडस्ट्रीज है उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ा, डिमोनेटाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा, तो इस वजह से जो ग्रोथ है वो कम हो गई थी, लेकिन अभी ये जो फैक्टर्स थे ख़त्म हो गए और अब इंडिया है एक ग्रोथ रेट की यानी कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, RBI ने एक बोल सकते हैं डेडलाइन दी थी सभी जो पेमेंट कंपनी है, जैसे नॉर्मल पेमेंट करते हैं, पेटीएम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गूगल से, गूगल पे से, ठीक है, या व्हाट्सएप वगैरह से जो पैसा ट्रांसफ़र होता है एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में, तो उसके लिए एक डेडलाइन यानी कि RBI ने निकाली थी कि आप जो है 15 अक्टूबर तक सभी ऐसी फैसिलिटी कीजिए कि इंडिया के अंदर भी सारा डेटा रहे कि आप किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा इंडिया में रहना चाहिए, ये नहीं कि आप फॉरेन में ही आपका डेटा बोलेंगे मेरे सर्वर वहाँ पे है और सारा डेटा वहाँ पे रहता है, तो इस तरह की यानी कि एक डेडलाइन दी थी RBI ने, और इसी को कंप्लाई करते हुए यानी कि मानते हुए देखिए व्हाट्सएप ने बोला है कि हम पेमेंट डेटा सिस्टम बनाएंगे जो इसमें इंडिया के अंदर जो भी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर की जा सके। ठीक है, तो यही सब बात थी अभी, लेकिन कुछ जो और भी गूगल वगैरह है, इन्होंने डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि आप 2 महीने का एक्सटेंशन दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस पे ऐसा कुछ एक्सटेंशन दिया नहीं है। और देखिए इस चीज़ की जो डेडलाइन थी कि आप जो सारा डेटा है वो इंडिया के अंदर स्टोर कीजिए, इसको कहीं ना कहीं प्रेज़ किया था पेटीएम ने, ठीक है, क्योंकि पेटीएम जो इंडिया की है, लेकिन इसको और जो कंपनीज है उन्होंने क्या है वो इसके अगेंस्ट थे, लेकिन अभी तो RBI का सर्कुलर है, मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको ये सर्विसेज खत्म करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एक थोड़े अलग न्यूज़ है हटके, अभी क्या होता था इससे पहले देखिए चंडीगढ़ जैसे है, चंडीगढ़ क्या है वैसे तो एक यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरेटरी है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर होता क्या है, चंडीगढ़ की जो पुलिस है, ठीक है, वो पुलिस क्या थी, 60% पुलिस जो है पंजाब पुलिस थी, 40% जो है स्टेट यानी कि हरियाणा की पुलिस थी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब की दोनों की कैपिटल भी है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले क्या किया, जो सारी फोर्सेज हैं इनको मर्ज कर दिया, जो यूनियन टेरिटरी की फोर्सेज हैं पुडुचेरी को छोड़ के सारी फोर्सेज को मर्ज कर दिया। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन यहाँ पे यानी कि दिल्ली के अंदर रहेगा, कौन चंडीगढ़ के अंदर कौन ऑफिसर रहेगा, उस ऑफिसर में चाहे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, DSP जिसको बोलते हैं, पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता था, लेकिन अभी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी और नया रूल लेके आ गई है, तो पुडुचेरी को भी इसमें प्लान किया जा रहा है, इसके अंदर ऐड किया जाए, तो सातों जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो पुलिसिंग सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा कि कैसे किसको कहां भेजना है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ऐसा मानना जा रहा था, ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर ऐसा मान रहा था, देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला कि चंडीगढ़ के अंदर जो पुलिसमैन हैं उनका कहीं ना कहीं एक नेक्सेस है यानी कि मिलीभगत रहती है करप्शन में, एक्सटोर्शन में, तो इस रिपोर्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया और उन्होंने बोला कि जो इतने सालों से ऐसा नहीं चंडीगढ़ में बैठे उनको ट्रांसफर किया जाएगा, किसी को कुछ दूसरी यूनियन टेरेटरी में चाहे अंडमान निकोबार में भेज दिया, किसी को पुडुचेरी में भेज दिया, ऐसा किया जाएगा ताकि एक नेक्सेस को तोड़ा जा सके और जो करप्शन है उसको कम कर लिया जाए। इसके ऊपर देखिए पंजाब गवर्नमेंट काफी एंग्री हुई थी, उन्होंने बोला था देखिए मत कीजिए ऐसा, गलत है ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए पूरा जो मूव है ये
इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद ही है, और हम इसको यानी कि चेंज नहीं कर सकते, और बहुत जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पुलिसिंग सिस्टम में उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ लीजिए कि अब जो सारी यूनियन टेरिटरी की फोर्सेज हैं वो मर्ज हो जाएंगी आने वाले टाइम में। पुडुचेरी तो बची है बस, उसके अलावा और फोर्सेज जो है मर्ज हो गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कोई भी जो नए पुलिस रूल आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक्सीडेंट से रिगार्डिंग है, थोड़ी सी न्यूज है। ये बताते हैं कि देखिए, जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं रोड पे, उसमें सबसे ज़्यादा जो पेडेस्ट्रियन है यानी कि जो पैदल चलते हैं उनकी मौत बढ़ी है, और उसके अलावा जो बाइसिकल पर चलते हैं, ठीक है, तो इनकी मौत बहुत बढ़ी है बोल रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट जो है कम हुए हैं करीबन 3.3% से, लेकिन जो है पेडेस्ट्रियन और बाइसिकल जो है इन लोगों के ऊपर यानी कि इन लोगों की ज़्यादा मौत हुई है, क्योंकि इनके पर ना तो ये हेलमेट लगाते हैं। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा है वो हेलमेट कैसे लगाएगा, या बाइसिकल पे हेलमेट अलाउड नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बोल रहे हैं और भी डेथ हुई है, जो स्कूटर पे होते हैं, टू व्हीलर्स पे होते हैं, वो मोस्टली उनकी डेथ जो हुई है वो इसी रीजन से होती है कि वो सीट बेल्ट या फोर व्हील यानी कि गाड़ी के अंदर भी वो है तो उन्होंने या तो सीट बेल्ट नहीं लगाई या हेलमेट नहीं लगाई, तो इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं लिया। लेकिन हमें याद रखना है ये चीज़ें, अगर हो सकता है कुछ ऐसा आर्टिकल आ जाए जिसका मेंस में आपको, तो इसमें आपको लिखना है कि रोड एक्सीडेंट से रिगार्डिंग कुछ आए तो पेडेस्ट्रियन और बाइसिकल वगैरह की ज़्यादा मौत होती है, तो इनके लिए एक सेपरेट यानी कि सेपरेट यानी कि एक रोड ही होना चाहिए, जिसके अंदर यानी कि साइड में एक सेपरेट रोड तो होता ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लगा होना चाहिए ताकि इधर के व्हीकल घुस के इसके पेडेस्ट्रियन को ना हर्ट करे, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, जस्ट इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए फिर, आज के 4 क्वेश्चन और हैं, मैंने कहा था 8 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आज आर्टिकल कम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछते हैं, वो डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो बोल रहे डेमोक्रेसी की डिफाइन करें तो ये इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जो यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो भी लोगों की होगी, किसके द्वारा होगी, पीपल के द्वारा, और किसके लिए होगी, पीपल्स के लिए होगा, ठीक है। तो किसने बोला था, अब्राहम लिंकन ने बोला था, प्लेटो, एरिस्टोटल या रस्किन ने। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया हु हैव वोन ए मेडल इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। देखिए, यानी कि अगर बात करें ओलंपिक में, तो इंडिविजुअल इवेंट में इन्होंने मेडल जीता था, पहले कौन थे ऐसे, इनका नाम बताना है, ध्यानचंद थे, केडी जादव थे या प्रीतपाल सिंह थे, ठीक है, तीन ही ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, द शॉर्टेस्ट वार रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री बिटवीन द टू सोवरेन पावर वाज, यानी कि सबसे छोटा आज तक वार हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है को किन किन दो सोवरेन पावर के बीच में है, यूके फ्रांस के बीच में, डेनमार्क यूके, यूके जंजीबार और इटली, और एक और ले लीजिए फ्रांस, ये शायद रह गया, इटली एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए ये बोलते हैं कि कौन सी ये जो चार चीज़ें ऑप्शन में दी हुई है ये रिलेट नहीं करती वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, मल्टीफायर फाइबर एग्रीमेंट, या जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, या एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये आपको बताना है। ये होता है एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए फिर आंसर दीजिए, आज मिलते हैं फिर ट्यूटोरियल की वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।